रहे हैं, उसके पहले वहाँ पहुँचा दे, मुझे छोड़ नहीं रहने दो, बस उधर ऐसा मत बोला, मुझे पहुँचा देता। तो सुनिए, देखिए, तो यही है कि भगवान ने कहा कि नहीं, जो कुछ लिया है तो दे दो हमको। मजबूरी है ना, मजबूरी है ना, पीपल का पेड़, क्योंकि बाल रूप में दोष निर्दोष से परे होता है, दोष निर्दोष से परे कौन होता है, परमात्मा होता है, इसलिए बालक को परमात्मा कहा गया है। ध्यान धरने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बाल रूप को ध्यान करो, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बाल रूप को ध्यान करो, तो देखिए परमात्मा हुआ। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा और आज मैं आपको ऐसे दिव्य तपस्वी संतों के दर्शन करवाने वाला हूं। जी हां, जो आज तक आपने दर्शन नहीं किए होंगे लेकिन वृंदावन आए, उनके बारे में सुना होगा आपने, बेरिया वाले बाबा जी, उनके बारे में सुना है, उनके स्थान पर, जी हाँ, उनके स्थान में बेरिया वन में ही वहाँ पे एक महात्मा जी हैं, जो ऐसे तो मौनी बाबा जी के नाम से जाने जाते हैं लेकिन मौनी बाबा जी के नाम से आपको कोई भी बता देगा, बेरिया वन में, बेरिया वन में हैं। यहाँ से वृंदावन कितने किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 किलोमीटर मानता हूँ, हाईएस्ट 2 किलोमीटर होगा वृंदावन, 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर होगा, ज़्यादा नहीं है, लेकिन साइड में है। थोड़ा रास्ता, रोड थोड़ी सी खराब होगी क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बारिश का मौसम है, तो थोड़ी सी रोड खराब हो सकती है, और जैसे कि कार्तिक के बारिश का मौसम, और साथ साथ ये कह सकता हूँ जंगलों से होते हुए आपको ऐसा लगेगा रियल में आप किसी वन के अंदर एंट्री करो, कच्ची रोड होते हुए, कुछ पक्की रोड होते हुए ऐसा है, वहाँ से होते हुए हम आज आपको इनके दर्शन करवाएंगे और यहाँ से इनके सत्संग लेंगे। बेरिया बाबा जी के आश्रम में एंट्री करते हैं तब यहाँ सबसे पहले हमें गायों के दर्शन होते हैं। यहाँ पर कम से कम 200 गायें खड़ी हैं और 200 गायों का दर्शन होता है। यहाँ पर गौशाला है और मैं ये कहूँगा, सभी से कहूँगा, सदा घर में अगर गाय रख सकते हो तो रखने की कोशिश कीजिए। और किसान भाइयों से निवेदन करूँगा, आप सोचते हो कुछ गायें आगे, जैसे कि हमारे यहाँ पर कहा जाता है गाय जब तक दूध देती है तब तक रखे जाते हैं, जब दूध देना बंद कर देती है गाय को बाहर निकाल देते हैं, तो उन किसान भाइयों से निवेदन करूँगा, गाय को अपने माता पिता, अपनी माँ समझ के रखिए। और जो भाई सक्षम है वो गायों के लिए 1 रोटी रोजाना निकाले ज़रूर, और जो वो भी है कि ऐसे भी भाई कुछ हैं जो बाहर रहते हैं वहाँ गायें नहीं रहती है, उनसे कहूँगा कम से कम 1 गुल्लक बनाइए किसी भी गौशाला के लिए। और गौशाला आप सभी की सहयोग से चलती है, तो मैं कहूँगा यहाँ अगर आओ तो गायों का ख्याल जरूर रखें, गायों का ध्यान जरूर रखें। क्यों साथियों, बेरिया वन का मतलब तो आप समझ चुके होंगे, जैसे कि बेर लगते हैं उसी पेड़ को बेरिया कहते हैं, और बेरिया के, और जैसे जैसे आप देखेंगे शहर, यहाँ पर ऐसा वातावरण है, जैसे मैं एक बार कैमरा मैन चिंदी हूँ, यहाँ पर एक ऐसा वातावरण, चारों तरफ जंगल है, खेती का है और फूलों की बगीची है, मैं वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। यहाँ पर साथियों, यहाँ पर बीच जंगल में छोटी सी कुटिया ऐसा थे, यहाँ पर देखने को नहीं, हमें दर्शन नहीं हुआ लेकिन यहाँ पर रहते हैं, और गुलाब के फूल बहुत ज़्यादा हैं, तोड़ना नहीं चाहिए लेकिन बहुत सारे, मुझे कंट्रोल कर रहा हूँ तोड़ने, मुझे बहुत प्यारा गुलाब लगता है और चारों तरफ है। साथियों आप एक बार गुलाब का फूल देखिए, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जो संत हैं वो देवरिया बाबा जी की पूजा के लिए, उनकी चरण पादुका की पूजा के लिए ये गुलाब की, देसी गुलाब की इनके खेती की हुई है, जिससे कि उनको रोज़ाना नए पुष्प कहीं से मार्केट से नहीं लाना पड़ता, यहाँ ही हो जाते हैं, और होना भी चाहिए क्योंकि कहा जाता है कि कहीं पर भी जिनको गुरु या देवता मानते हैं तो वहाँ पर भाव की एक फूल की पंखुड़ी भी बहुत काफ़ी होती है, वो यहाँ भाव देखने को मिलता है। और रियल में इस सत्संग के बाद मुझे अवश्य विश्वास है आप और भी सत्संग मांगोगे इनकी गुरुजी की। आपका क्या कहना है, इन गुरुजी से सत्संग देखने के बाद कितनी बार मिलना चाहोगे, क्या आगे सत्संग इनकी लानी चाहिए, इनके जो आपके कोई सवाल हो तो करना ज़रूर मुझे। अब हम चलते हैं गुरुजी के पास, इतने टाइम हम ये थे, अब गुरुजी के पास चलते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो चारों तरफ से जंगल है, बीच में कहीं तुलसी लगी हुई है। देखिए यही तो है, मधुपुरी है ना, मधुपुरी है ना, पीपल का पेड़, यही तो जो मधुपुरी है, यही तो मधुपुरी है, तो जान के पीपल के पेड़ को क्यों चुना गया, जन्म भी यही, मृत्यु भी यही, नाभि से जन्म होती है, नाभि से मृत्यु, मृत्यु भी नाभि में।
और जन्मी नाभि में आता है कि भविष्य को हमारे भारतवर्ष के आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। पहले तो हमको देखिए, हम बड़ा नहीं है, उतना बड़ा नहीं है, ना बड़ा बनना चाहते हैं, ना जानते हैं। अभी आपके बताएं ना, आपको बताए ना, हाँ वो बंद। तो मैं ये गुरु जी, मैं ये चाहता हूँ कि माता पिता का क्या करते हुए होता है, यानी माता पिता का एक दायित्व होता है, लोग माता पिता बस उनको मानते हैं जिन्होंने जन्म दिया, तो इसके बारे में थोड़ा हमारे सभी बच्चों को, हमें और सभी को एक संस्कार रूप एक सत्संग दीजिए। जन्म नहीं, देखिए जन्म नहीं, जन्म नहीं है, ये ही सृष्टि है, यहीं से होता है। माता पिता विष्णु भगवान के नाव कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, यस है। विष्णु भगवान के क्या कहते हैं, चतुर्भुज, चतुर्भुज किसको कहा जाता है, भुज कोण को कहा गया है, भुज कोण को कहा गया है, समझे। तो चार भुज, चार कोण, और ब्रह्मा जी के मुख कितना है, चार, चार कितना हो गया, चार, चार मुख हो गया ना, है। और कला की दिशा तो दस होती है, दिशा दस होती है, हैं, दिशा दस होती है, सत्य है। तो ये चार चार आठ दिशा हो गया, हैं, आठ दिशा हो गया ना, दो आकाश और पताल, दो आकाश पताल लोग जानते हैं कौन है, लास्ट में उपस्थित हुआ शंकर भगवान, गौरी शंकर, माता पिता, माता पिता, माता पिता, नगत लो आकाश पिता धरती पताल पिता माता, हैं, बताते हैं लो, हाँ, देखिए तो आकाश पताल माता पिता होगा ना, तो यह दिशा में आता है, दिशा। अच्छा, वर्मा जी के बताते हैं, बताते हैं कि सबसे पहले चार को उपस्थिति किए, सनक सनंदन संत संत कुमार, हैं, संत कुमार है ना। तो देखिए ये चारों चारों चले गए, बैराग ले लिए, आई उसी जब से जैसे हैं वो सही हमेशा रहते हैं, कभी घटते बिरते नहीं। तो ये कौन है जानते हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चार दिशा हो गए न, चार दिशा में चले गए ये लोग, चारों दिशा में चले गए, चारों दिशा में चले गए। तो इसलिए ब्रह्मा जी के चार मुख बता दिए गए ना, मुख मने दरवाजा, मुख मने दरवाजा तो होता है, तो चार दरवाजा बताए गए ना, चारों तरफ दरवाजा बताया गया, चार दिशा बताया गया ना। तो देखिए तो ये ब्रह्मा जी का है ये, तो अब विष्णु भगवान के, अब विष्णु भगवान के नाभ कमल से उत्पत्ति है, नाभ कमल से उत्पत्ति है ब्रह्मा का। ये सब ब्रह्मा जो है, ये सब ब्रह्मा को कहाँ से उत्पत्ति है, कहाँ से उत्पत्ति है, नाभे कोमल से उत्पत्ति है, हाँ। जन्म भी इस ब्रह्म को जन्म कहाँ होता जानते, जन्म एक ही बार होता है, जेल ही में होता है, जेल में होता है, हाँ। गोकुल में प्रकट दिखाई पड़ते हैं, हाँ, गोकुल में दिखाई पड़ते हैं, हाँ, जन्म तो जेल ही में होता है, दिखाई गोकुल में पड़ते हैं, बाहर आएंगे तभी दिखाई, जन्म तो, तंदुरी हो जाता है उस समय, समझे। तो देखिए यही है, और वृंदावन, वृंदावन वही देखिए, जब बड़ा थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाता है तो अगल बगल अड़ोस पड़ोस के बच्चों के संग खेलने लगता है, तो जब खेलने लगता है तो यही वृंदावन है, और वृंदावन में प्रवेश कर गया, प्रवेश वृंदावन में कर गया, तो बाल रूप वृंदावन में होता है ना, बाल रूप को ही वृंदावन कहा गया है, बाल रूप को ही वृंदावन में कहा गया है, क्योंकि बाल रूप में दोष निर्दोष से परे होता है, दोष निर्दोष से परे कौन होता है, परमात्मा होता है, इसलिए बालक को परमात्मा कहा गया है। ध्यान धरने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बाल रूप को ध्यान करो, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बाल रूप को ध्यान करो। तो देखिए परमात्मा वहाँ, परमात्मा वहाँ है जी, तो परमात्मा देखिए, तो वहाँ से फिर
परमात्मा अंत में भी होते हैं, परमात्मा अंत में होते हैं, बीच में परमात्मा ना है, बीच में तो ब्रुक है, ग्लूब है, ग्लूब डूब जाते हैं लोग, लुप्त हो जाते हैं, ग्लूब है, समझे। तो ये दिखाई दोनों किनारा वो किनारा पड़ता है, तो दिखाई पड़ने वाला परमात्मा होता है, है? परमात्मा ही दिखाई पड़ता है, तो इस पार उस पार बीच में ग्लूक है, समझे। तो बुढ़ापा में भी परमात्मा का तो लोग होते हैं, परमात्मा जैसा वो विचार स्वभाव हो जाता है, लोग कहते हैं नहीं कि चलो बूढ़े हैं मर रहे हैं, अब उनसे आशीर्वाद लिया जाए, है? कहते हैं ना, तो देखे वहाँ परमात्मा है ना, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान उगते समय लाल रहते हैं, है? लाल रहती है ना, कितना सुंदर मधुर रहता है, और डूबते समय भी, दोनों समय में देख रहे हैं ना, तो दोनों समय में परमात्मा होता है ना, बीच में नहीं रहता परमात्मा, बीच में क्रम परमात्मा है, क्रम है, समझे। तो इसी तरह से जो है क्रम परमात्मा है, समझे। तो ये है माता पिता जानते हैं, माता पिता यह जन्मा है, इनका जन्म नहीं है। गुरुजी जैसे कि एक चीज जानना चाहता हूँ, जैसे अभी कार्तिक आ रहा है, कल से शुरू हो रहा है कार्तिक पूर्णिमा, शुरू हो रहा है कार्तिक महीना, परसों से हो जाए, कल पूनम है, परसों से कार्तिक शुरू हो रहा है, लेकिन एक परमात्मा की कृपा से कुछ है कह सकते हैं छोटा मोटा। कार्तिक जानते हैं अधिक मास का फल, जो अधिक मास में उपस्थित होता है फल, उसके कार्तिक को स्नान करने से फल उपस्थित हो जाता है, अधिक मास का फल। और गुरुजी जैसे कि आपने सन्यासी कब से हो गुरुजी आप? मेरे को आप जब से देखते हैं तभी से मान लीजिए। मतलब कितनी उम्र थी तब आपने? अब उम्र का बताएं, उम्र तो यही है कि जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वही मान लीजिए, और क्या। अब हम अपनी बखान कहाँ से करें, हम कहाँ उम्र लिख के लिख रखे हुए। तो भी आज आपकी उम्र क्या है? हमारा उम्र तो क्या है, वो उम्र तो थोड़े रखे हुए कि बता सकते हैं। आपको जो दिखाई पड़ता है वही मान लीजिए, अब हम क्या बताएं, अब हमसे जो बताने वाला चीज़ है वो आपको बता रहे हैं, हमसे जो बताने वाला चीज़ है, हमारा जो बताने वाला चीज़ है तो बता रहे हैं। अब पेड़ से कहिए कि तुम अपना छाया को समेट लो, तो पेड़ समेट लेगा, है? उसको कुछ भी कर दिए, काट दीजिए, तुम नहीं समेट पाए, है? तो उसी तरह से जो है, और अपने राम को कैसे कहा बता, अपने राम को क्या बताए, अपने राम को कुछ बता नहीं सकते। हाँ, आप जो पूछ रहे हैं उसका सुझाव दे सकते हैं। इसी तरह से जो है थोड़ा सा अब शाम कर दिया जाए। साथियों, मैंने गुरुजी से सत्संग ली और इतना प्यासा था, इतना अच्छा लगा कि मुझे पानी पीता ही रहूं। बहुत मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि कहते ना, भूखे को खाना चाहिए, प्यासे को पानी चाहिए, और जब मुझे एक नदी मिल गई मीठे पानी की, जितना हो सके मैंने पीने की कोशिश की, जितना हो सके जो मेरे पास पात्र था उस पात्र के माध्यम से मैं आप सभी को ये सत्संग, ये ज्ञान की बातें जो बड़ी दुर्लभ है कहीं नहीं मिल सकती, क्योंकि हम अगर किसी ऐसे महात्माओं के बारे में आज सुनते हैं, जब हम पैदा नहीं हुए थे तो छोटे थे, हम ऐसा सौभाग्य समझते उनके दर्शन हो जाते, हमारा जीवन धन्य हो जाता, या उनकी कोई सत्संग मिल जाए हमारा जीवन धन्य हो जाए, ऐसे ही तात्पर्य गुरु जी से आशीर्वाद देते हैं। और गुरु जी अगर जब भी कभी हमें आशीर्वाद देंगे, गुरु जी फिर कभी कभी समय देंगे ज़िंदगी में, हम चाहूँगा कि मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा 100 साल जिंदा तो नहीं रहूँगा, अगर रहा तो मैं कोशिश करूँगा गुरु जी से सत्संग लाऊँगा और गुरु से अब आशीर्वाद सभी को दिलाने की कोशिश। गुरु जी मुझे और सबको एक बार आशीर्वाद दे दीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान ने कहा कि नहीं, जो कुछ लिया है तो दे दो हमको, समझे।